अब खबरें विस्तार से। टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा 24th माइकल जॉन मेमोरियल लेक्चर गोल्ड मेडल में मजदूर नेता एवं इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी को नवाजा गया। हर वर्ष टाटा वर्कर्स यूनियन द्वारा माइकल जॉन मेमोरियल लेक्चर गोल्ड मेडल वैसे शख्सियत को दिया जाता है जिन्होंने मजदूरों के हितों के साथ साथ उद्योगों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीव रेड्डी ने 65 वर्षों तक मजदूरों की आवाज बनकर काम किया और मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही मजदूर और उद्योग के बीच सामंजस्य बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मान समारोह में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह, टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन, टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में डॉक्टर जी संजीव रेड्डी को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज की तारीख में उद्योगों को बचाना एक चुनौती बन गई है। उद्योग रहेंगे तो मजदूर और कामगार रहेंगे। आदरणीय आरपी बाबू जी, आदरणीय अल्लाह पांडे जी, आदरणीय हरभजन सिंह जी, हम लोग यूनियन के एक समय कमिटी अंदर भी हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ था, वर्कर्स यूनियन से काफी आपसे संबंध था। माइकल जॉन लेक्चर में मेडल रखा मैं किसको किया है, माइकल जॉन जी जब जीवी गए उस समय उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनका तभी तबक प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्ट के बाद काम करके ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, पार्लियामेंट मेंबर भी बने और काफी उनके साथ मिलते हुए हम काम करते रहे। एक महान व्यक्ति थे और बहुत ही दूर दृष्टि से वो काम करते थे, जिस वजह से टाटा वर्कर्स यूनियन का जो अपूर्व बेहतर है, जो कम बेहतर है, उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन में उन्हीं का देन है। और MPC के उन्हें भी वो लगा अच्छे रोल प्ले किए ऑल इंडिया एजेंसी के अंदर। उस वक्त मैं प्रेम का नौजवान था तो उनके साथ मिलकर काम करने में और उनका पीछे चलने में बहुत ज्यादा मजा आता था। आज का जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ वर्क एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है, तो इसीलिए आई वुड आल्सो वेरी कीन टू हियर व्हाट डॉक्टर संजीव रेड्डी हैड टू से। और जो हमारा पॉइंट था वो सब कवर किया था, क्योंकि हम भी बहुत कुछ बोलने चाहते थे जो उसका वो डॉक्टर संजीव रेड्डी है ऑलरेडी टॉपिक ओपन एंड गिवन द काउंटर आर्ग्यूमेंट टू, तो हमको सोचना है कि हम नया क्या बोल सकते हैं। तो फिर भी ये बात है कि जो हम लोग जो स्थिति में है, आई थिंक जो डिस्ट्रक्टिव एनवायरमेंट में है, तो ये भी सही बात है कि इंडस्ट्री सिर्फ कंपनी का फ्यूचर नहीं, इंडस्ट्री का फ्यूचर का भी, हम स्टील इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली भी हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे कंपनी से जो है बंद हो गया है तो बहुत सारे इंडस्ट्री के वो भी बंद हो गया है। वैश्य एकता मंच द्वारा पढ़ाई, सगाई और दवाई के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं की मदद की जा रही है, उनमें से शैली कुमारी भी एक है। वैश्य एकता मंच द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वैसी छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाती है जो आगे पढ़ना चाहती है पर पैसे उनके आड़े आ रहे हैं। भुवनेश्वर से इंजीनियरिंग कर रही शैली कुमारी को मंच द्वारा कुल 6 लाख रुपयों की मदद की गई है। बुधवार को उसे किश्तों की आखिरी चेक 1,43,000 का भुगतान मोहन लाल अग्रवाल ने किया। मेरा नाम शैली कुमारी है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भुवनेश्वर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो मेरी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब थी, तो इसलिए मम्मी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल से बहुत सारी हेल्प मांगी बट उन्होंने कोई मदद नहीं की। तो फिर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मोहनलाल अग्रवाल सर के बारे में पढ़ा था हमने और IVF इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन के बारे में पढ़ा था, तो मेरी मम्मी गई थी हेल्प के लिए। कितना का चेक दिया आज उन्होंने? 1,43,000 चौथा चेक है ये, फोर्थ ईयर का। पढ़ाई, सगाई और दवाई जो भी हमारे निधि लोग हैं, पढ़ने में जैसे जैसी बच्ची जो टैलेंट है उसका उसको उभारने के लिए हम लोग उसको फीस देते हैं
और गरीब बच्चों को, उसके अलावा भी हम लोग इंदौर वगैरह पढ़ा रहे हैं बच्चों को। सर इनको कितना मदद किया टोटल? इसको लगभग 6 लाख का। 3 माह से छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने 800 के बैनर तले उपायुक्त से पहल करने की मांग की है। पिछले 3 माह से छात्रवृत्ति की राशि आवंटित नहीं होने से वैसी छात्राओं के समक्ष घोर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जो पूरी तरह से छात्रवृत्ति की राशि पर ही निर्भर है। बुधवार को 800 के बैनर तले उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। आज हम लोग ऑल इंडिया डीएसओ के तत्वावधान में जो स्कॉलरशिप से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि लगातार हम लोग जो है स्कॉलरशिप से मुद्दों को लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। 2 मुद्दों को लेकर के हम लोग विशेषतः यहाँ पे आए हैं। पहली बात ये है कि 2017-18 का जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो हमारे ज़िले में आवंटित अब तक नहीं हुई है, जबकि दूसरे ज़िलों में जो है ये छात्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति की राशि है वे आवंटित हो चुकी हैं। तो यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन फीस जो कि पूरी तरह आश्रित है छात्रवृत्ति पे, वे काफ़ी संकट में आ गए हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों के विलय का हर तरफ विरोध जारी है, पर सरकार इन विरोधों पर कोई ध्यान नहीं देती नजर आ रही है। सरकार द्वारा उत्क्रमित और प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर रही है, अर्थात कुछ स्कूलों को विलय कर रही है। इसका फायदा क्या होगा ये तो बाद की बात है, मगर इससे छोटे छोटे बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अब उन्हें 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ रहा है। परसोडी से आए ग्रामीणों ने भी इसी बात की शिकायत। परसोडी से आए तिलकागढ़ से, और स्कूल जो प्राथमिक मध्य विद्यालय तिलकागढ़ का स्कूल जो बंद किया जा रहा है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता घर में तो रहते नहीं है, ड्यूटी चले जाते, तो वो बच्चे कैसे जाएंगे इतना दूर जो कि 2 किलोमीटर पड़ जाते हैं वहाँ से। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा उम्र पार कर चुके और पुराने छात्र नेताओं पर लगाम कसने के बाद अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघों पर नकेल कसने के लिए वैसे नेताओं को दूर किया जा रहा है जो चुनाव लड़ने की उम्र पार कर चुके हैं और लगातार कॉलेज में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। छात्र आजसू द्वारा प्रेस वार्ता बुलाकर इसका विरोध जताया गया। नारायण 65 साल की उम्र में छात्र राजनीति कर रहे, उनको उसमें क्यों नहीं रोका गया? जो 1974 की जो घटना घटी, माओ जो जीत के आए वो छात्र राजनीति करना चाहेंगे, जो नहीं जीत के आए उनके कोई हक नहीं बनता। मैं बताना चाहता हूँ कि JPG भी 65 साल की उम्र में छात्र नेता थे, तो उस वक्त उनको नहीं रोका गया जब आपातकालीन वो कर दिए थे। मैं बताना चाहता हूँ किसी को कि छात्र राजनीति में ऐसे लड़के अभी जीते हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है कि उनको आगे करना क्या है, कॉलेज के विषय में करना क्या है। एक गाइडलाइन के अभिभावक के रूप में हम लोग उनकी मदद करते हैं। हम लोग कल एक कॉपरेटिव कॉलेज में एक बहुत बड़ी धरना देने जा रहे हैं अनियमितता के और भ्रष्टाचार के खिलाफ में, जिसमें शहर को लगेगा कि हाँ छात्र आशु भी संगठन के लिए कुछ करता है, छात्रों के लिए कुछ करता है।